भाई मेरे एक बात याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई एक जंगल है। जब आपका ये मन करे ना पूछने का कि ये जंगल खत्म कब होगा, तो समझ जाना मेरे दोस्त आप थक चुके हैं। अब आपकी हड्डियां जवाब देने लग गई हैं, अब इस शेर में वो दम नहीं रहा कि ये जंगल का राजा बना रहे। हमेशा याद रखिएगा, जंगल में बाकी जानवर भी हैं जो शेर से भी खतरनाक हैं, जो जंगल के राजा से भी खतरनाक हैं। राजा राजा तब तक है जब तक वो इस दिल से मानता है कि वो राजा है। राजा राजा तब तक है जब तक उसके अंदर एटीट्यूड है राजा वाला। तुम्हारा वो गुरूर खत्म हो गया ना, उस राजा का वो गुरूर खत्म हो गया ना, तो राजा खत्म हो जाए। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत पुरानी कहावत है भाई। जंगल का राजा कौन? जिसमें वो राजा वाला गुरूर है, और वो सिर्फ एक जानवर में है, वो राजा कहलाता है। तो बाकी उसे राजा मानते भी। वही आपकी कहानी है, वही आपकी कहानी है। आप इस जंगल के राजा तब तक रहेंगे, आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के राजा तब तक रहेंगे जब तक तुम ठोक के मानते हो मैं एग्जाम निकालूंगा। और जिस दिन तुमने ये मान लिया जंगल कब खत्म होगा, बेटा फिर तो गए तुम भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस, जिससे मेरा मतलब है प्रैक्टिस, जितना कंटेंट पढ़ना है चलो पढ़ लिया, वो प्रैक्टिस चलती रहेगी भाई। वो चीज कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम्हारी नौकरी ना लग जाए। और नौकरी लगने के बाद कौन सा तुम रुकोगे? फिर आगे उससे बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, फिर आगे और बेहतर तैयारी करो। तो क्या जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे सर हम? मेरे बच्चे, पढ़ाई बोझ लगेगी तो जिंदगी भर नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई में वो मजा, वो गुरूर आ गया तो जिंदगी भर पढ़ेगा। सांस कब तक लेगा? जब तक जिंदगी तेरी चलेगी सांस लेगा ना। तो सीखेगा कब तक? जब तक तेरी जिंदगी चलेगी तब तक तू सीखेगा। सीखना बंद बेटा, वो गुरूर खत्म, अपने आप पर से आपका भरोसा उड़ जाएगा। तो याद रखो मेरे दोस्त, जब भी ये सवाल आए, ये बहुत नेगेटिव क्वेश्चन होता है पुत्र। जब बच्चा किसी भी टीचर से पूछता ना, सर ये कितनी क्लास का टॉपिक है, मैंने बोला वाह